सबसे पहले नमस्ते, मैं किरण बड़ोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे के गुलगुले। आटे के गुलगुले के लिए मैंने क्या कर रखा है, आटा ले रखा है। आटा मैंने एक डेढ़ कटोरी ले रखे है, और अब मैं इसमें क्या करूँगी, गुड़ डालूँगी। तो गुड़ अगर बूरा टाइप का है तो उसे डालें, नहीं तो इसको बूरा करके डालें इसमें गुड़। और फिर थोड़ा सा मैं इसमें सौंफ डालूंगी। अब जो है मैंने इसमें गुड़ डाल लिया है, गुड़ उतना ही डालें जितना आपको मीठा चाहिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाल ली है, और अब मैं इसे पानी से इसका घोल बनाऊंगी। घोल इस तरह से बनाऊंगी, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। इसके लिए मैंने घोल भी बना लिया है। घोल मैंने इस तरह से बना रखा है, इस तरह से इसका घोल ऐसा ही होना चाहिए। और अब मैंने जो है कढ़ाई गरम करने के लिए रखी हुई है, और उसमें मैंने तेल डाल रखा है। अब तेल जैसे ही गरम होगा वैसे ही मैं इनके गुलगुले बनाना शुरू कर दूंगी। अब जो है तेल गरम हो गया है, अब मैं इनको इस तरह से उठाऊंगी, इस तरह से और इस तरह से मैं इसको डालूंगी, इस तरह से घोल उठा के मैं ऐसे गुलगुले डालूंगी। फ्लेम जो है मीडियम रखें। इस तरह से मैं सारे डालूंगी और सारे ही बन जाएंगे गुलगुले। इस तरह से सारे गुलगुले मैंने डाले हैं। अब इनको मैं थोड़े देर तक तलूंगी, और जैसे ये तेल छोड़ने लग जाएं वैसे मैं इनको निकाल लूंगी। अब ये धीरे धीरे सुनहरे होने लग गए हैं। अब थोड़ी देर और रखूंगी मैं इनको और फिर निकाल दूंगी। अब एक बार मैंने ये निकाले हैं, ये गुलगुले बन गए हैं। ऐसे ही मैं दूसरी बार भी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ, इस तरह से डाल रहे इनको, इस तरह से। घोल को इसी तरह से बनाए रखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, एकदम से ऐसे ऐसी होनी चाहिए। इसी तरह से बना के रखें। इस तरह से ये भी होने लग गए हैं सुनहरे रंग के, और अब मैं इनको निकाल लूंगी। इस तरह से ये बन गए हमारे गुलगुले, प्यारे प्यारे गुलगुले। ये जो हैं बहुत स्पंज जैसे हो रखे हैं, जैसे इस तरह से हो रखे हैं, इस तरह से होते हैं ये स्पंज जैसे। इनको गुलगुले बनाने के लिए इनके आटे को खूब अच्छी तरह से फेंटते हैं, ताकि इनमें अच्छा सा हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से हो जाए, तब ये जो है ठीक बनते हैं। इस तरह से खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।